that is called Troll Time. And let's go and see. Okay, you're looking nice. Thank Gulabo you. Ke aage piche mein bolne wali thi. Eid pe cutting khaal se karaye. Yeah. Meer Ahmed Khan. हाँ. पता नहीं उनके तो आप क्या बोलेंगे मीर अहमद खान को? क्या बोल सकते हैं इस पे? एक और किसी ने कमेंट किया तो उसे मैंने रील भी बनाई थी। अबे यार हर दिन लंदन में कैसे चला जाता है भाई? बता वो कौन सा जहाज है तुम जो आपको ले जाता यही है? यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि आप ना सोचे कि कैसे जाता है, सोचो कि मैं कैसे जाऊँ। हाँ। राइट, अगर आपको लगता है मैं हर दो दिन में चला जाता हूँ तो आप सोचे मैं क्यों नहीं जा रहा। और ये बताओ क्यों ना जाए? फैमिली वहाँ है, बच्चे वहाँ है, ठीक है बंदा काम करता है, इससे भी तो मसला है ना, इसे भी तो मसला है ना, बच्चे खुद बाहर रखे हुए भाई, वो उनकी चॉइस है, दे वांट टू लिव देयर। मैं वो वाला अब्बू तो हूं नहीं के जाम में जाऊं तुम भी टोकरा लेकर आओ। देयर हैप्पी, देयर हैप्पी, कोई बात नहीं। ये उन लोगों को पता होता है हु आर रेडी, हु हैव किड्स एंड हु आर हु एक्चुअली लिसन टू दोस किड्स। ये लोग उन बातों को सुन सकते हैं। जो लोग उनके बच्चे नहीं है या जो व्हाट डू कॉल जो अजीब पेरेंट्स हैं वाले अब्बू हैं, वो बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं चलो विहाड़ी चलो। ये माशाल्लाह अपने पैसों से जाते हैं, हक हलाल की कमाई करते हैं। आप भी जा सकते हैं लंदन, आप लंदन नहीं मुल्तान तो चले जा सकते हैं, कहीं तो जा सकते हैं, जहन्नम में चले जाओ भाई। चलो आउट ऑफ द वर्ल्ड भेज दिया मैंने। ये कहना चाहूंगा अभी तो इत्तेफाक से मैं गुजरा हूँ और ये शख्सियत मुझे नजर आया माशाल्लाह। क्या नाम है मेरा? बिलाल। क्या कह रहे हो? बिलाल किसका नाम है? बिलाल आपका नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा, ये जरा बोल दे कि इन बिलाल साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, पी फॉर पकाओ। नहीं, बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, पी फॉर पकाओ। ये क्या था? ये बिलाल कौन है भाई? वो रैंडम अंकल थे, उन्होंने वो कह रहे बिलाल भाई आपका चैनल बड़ा जबरदस्त है, मैं देखता हूँ, तो आई जस्ट ट्राई टू प्ले अलोंग कि हाँ ठीक है मैं, तो मैंने बोला कि अगर इतना बड़ा फैन है तो उसको मेरा नाम नहीं पता, चलो ठीक है। तो मैंने बोला जी हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पी फॉर पकाओ, जो कि नादिर अली का चैनल है। तो बेचारा ही वॉज लाइक के ठीक है। हाँ ये नहीं, वैसे आपस की बातें बहुत होता है। हाँ। लोग आकर तस्वीर ले लेते हैं, पता नहीं होता जाने से पहले नाम क्या आपका, आपको दिल चाहते हैं डिलीट मारूं। आपको लोग वीडियो से जानते होंगे ना? नहीं नहीं, वो अजीब मतलब आपका ड्रामा है भाई, मैंने पूरी जिंदगी में ड्रामा करती हूँ, टीवी पर ड्रामा किया ही नहीं है, आपका ड्रामा अच्छा है। मैं भी बोलती हूँ, मुझे एक बार एक अंकल मिले, अरे आप वो ये ना जो चीप वीडियोस बनाते हैं ना, तेरा बाप बनाता होगा चीप वीडियो। बोलो आप वो है ना जो गलती से पैदा हो गए। हाँ बिलाल भाई इसको अपना हेलमेट उतार कर मारो। ओहो बात तो सही है। I would have lost it. I don't know how you standing so आराम से. You shouldn't do this. उसी वक्त उनको करेक्ट कर लेते, ऐसे मजाक की वीडियोस ना बनानी चाहिए। क्यों भाई? आमिर शफीक जर्मनी, आगे जर्मनी भी लिखा हुआ है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता, डू यू अंडरस्टैंड दोस पीपल? ये मैंने बहुत देखा, जाएंगे हॉलिडे के लिए, हॉलिडे से वापस आएंगे ना झंडा लग जाएगा उनके नाम के बिल्कुल बराबर। व्हाट डू यू से विद दोस? अगर वो फ्लाइट, चलो वो तो समझ आता है, अगर इफ यू स्पेंड अ वीक इन स्विट्जरलैंड तो आप एक बना देते हो अपने इंस्टा बायो पे कि जी मैं इन इन कंट्रीज गया हूं। नहीं नहीं, वो ट्रांसलेट वाले भी, ट्रांसलेट वाले भी कर लेते हैं। अच्छा ये तो खैर इन्होंने इस पे लिखा है ना, इस तरह के एक जमाने में शादी कार्ड आते थे, मुस्तफ़ा फलाना ढिमकाना, मुस्तफ़ा फारूक और ब्रैकेट में यूएसए, यूएसए का हम क्या करें? अच्छा वो यूएसए में रहते हैं तो वो यूएसए लिख देते हैं, या शादी के कार्ड पे नाम के साथ ब्रैकेट में मतलब बाहर का माल है, इम्पोर्टेड पीस है। आकर देखो चुप, हम आपके सामने ही निकालेंगे। या फिर ये कि लोग अपनी डिग्रीज भी लिख देते हैं, डिग्रीज भी लिखते हैं शादी कार्ड पे, डिग्री का क्या करना है? Really? तो इन्होंने ऐसे ही ना डॉट जर्मनी लिखा हुआ है। व्हाट इफ ही मूव्स टुमारो टू हॉलैंड, फिर क्या करेगा अपने हॉलैंड लिख देंगे। यही होगा, हॉलैंड की बात कर रहे थे हम। चले जी नेक्स्ट। पापा जी मामा कहते हैं आके खाना खा ले। नहीं बेटा अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। नहीं पापा जी, दुआ के अब्बा है ना, खत्म हो जाएगा तो आपकी मामा और बना देंगे। नहीं पापा जी, मामा थके हुए हैं। मामा थके हैं तो फिर आप बना देना अपने पापा को। नहीं पापा जी आ जाए ना, नहीं तो मामा पिटाई कर देंगे। किसकी पिटाई कर देंगे, मेरी क्या आपकी? पापा जी मेरी नहीं आपकी। ठहर जा दुआ, अभी करता हूँ तेरा इलाज। वाह भाई,
What oil you use for eyebrows, bro? Liba Green. अभी क्या IDs है? Dot Germany, Dot Green. ये क्या लोग अपने literally? शुक्र है. इसने ले अबे green नहीं बोला. But yeah, what oil? Eyebrows. I'll be very honest. Your eyebrows are really nice. Thank you, Mathira. Yeah, very very nice bushy eyebrows. Very good. Okay. Stupid, we waited 45 minutes. Waited नहीं wasted. Wasted. I'm like. Wasted 45 minutes भी नहीं थी भाई. मुझे लेटा हुआ देख के कर क्या रहा था ये है ना हसीब दशा यारी क्या आईडी थी तो आज तो मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ ये लोग किस किस्म की आईडी से मुझे बस बना लेते हैं ये वैसे क्या कर रहा था 60 सेकंड की रील को 45 मिनट्स देखते हुए मासूम लोगों की ट्रोलिंग छोड़ दें सर जी नहीं वैसे मुनज्जा आसिफ वैसे आपस की बात है ये दुआ के पापा एंड दीस पीपल आई एम अ फैन ऑफ देम आई लव देम और मेरी ये एक हमेशा एक चीज होती है कि मैं सोचती हूँ ये एक रियलिटी है कि मैं सोचती हूँ आज तो मैं 12 बजे सो जाऊंगी और एक प्रोफाइल पे बैठते हुए यूं उसने 10 साल पहले क्या क्या था क्यों क्या था सब देख रही होती हूँ और फिर टाइम देखती हूँ तो 6 बज जाते हैं ये तो ये दिस वीडियो इज फ्रॉम दिसंबर 23 ठीक है लास्ट ईयर की दिस इज अबू धाबी तो मैं बोर हो रहा था तो ये बनाई थी अब जो मेरी रील का एल्गोरिथम है ना तौबा मैं तो यहाँ बता भी नहीं सकता क्यों इतनी गलीज रील्स आती हैं मेरे पास व्हाई मैं वो बस क्योंकि मुझे जो क्योंकि जिस चीज पे आप रुकते हो ना तो वो एल्गोरिथम आपको वही चीजें बार-बार दिखाता है इतना रुकते क्यों गलत चीजों पे रुक कर चलना है क्या घटिया गलीज चीजों पे मैं ज्यादा रुकता हूं तो मेरी इंस्टा की रील इज लाइक व्हेन आई वेरी रुकावा इंसान रुकावा झुका हुआ झुके हुए क्यों हो भाई रुके हुए समझ में आते झुके हुए क्यों शर्म से झुक गया सर झुक गया शर्म से झुक गया है ओहो आप खैर प्लीज आप इतना नहीं रुके और हर काम में रुकना अच्छी बात नहीं है कुछ कामों में रफ्तार अच्छी होती है घर के काम ऑफिस के काम उसमें रफ्तार लाओ